सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार हम लोग तिरुपति पहुंच चुके थे कल। तो आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा तो ये चेक पोस्ट है, मैंने उसमें बताया था, जो कि ऊपर जो मंदिर देखिए अगर बीच में बना हुआ है, वहां पे जाने से पहले आपको चेक पोस्ट पार करना पड़ता है। यहाँ पे पूरी चेकिंग वगैरह होती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो स्कूटी है ये हमने रेंट पे ली है। कहाँ से ली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स हैं और कितने के लिए कैसे लिए वो जब इसको रिटर्न करेंगे तब हम आपको बता देंगे। बाकी सामने वहाँ ऊपर टेंपल दिख रहा है, तो ये है पैसे ऊपर जाने का। अच्छा, जाने के लिए ये वाला है रोड, आने के लिए दूसरा रोड यहाँ पे बना हुआ है। बाकी यार यहाँ पे आके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे ना तो ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि रूट कैसा है। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पे आके दर्शन वगैरह कैसे करते हैं, बेसिकली हम लोग कैसे दर्शन करते हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है सीआरओ ऑफिस। यहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो रूम यहाँ पे मिल सकता है, अगर आपका लक हुआ तो मिलेगा यहीं पे। इस जगह पे यहाँ पे काउंटर है जाके, जहाँ पे आप रिसिप्ट ले सकते हैं, यहीं पे आपको रूम्स भी मिल जाते हैं अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो बहुत ही मुश्किल है, हमारी तो पहले से बुकिंग थी एक रूम की। तो अभी जो गेस्ट हाउस हमको अलॉट हुआ वहीं जा रहे हैं, यहाँ ऑफिस में आके यहीं से अलॉटमेंट होता है। तो चलिए चलते हैं। अलॉट हो गया हमारा रूम नंबर 199 है। तो ये है कौन सा भवन है, वारा स्वामी गेस्ट हाउस है जहाँ पे हमें रूम अलॉट हुआ है। और ये है हमारा रूम 199। अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई कैसा है। ओके, इट इज़ नाइस। ऐसा कुछ हमारा रूम है एक्चुअली कि हमको ना यहाँ पे नाइट स्टे करना नहीं है, हमारा बस ये अपना सामान वामान रखेंगे, नहाएंगे। हाँ ठीक है, मेन तो चलो वेस्टर्न है, इंडियन होता दिक्कत हो जाती। हम लोग नहा आके अपना सामान वगैरह इधर ही रूम पे ही रख देंगे, उसके बाद यहीं से सीधे दर्शन करने के लिए जाएंगे और यहीं सामान उठाएंगे वापस तिरुपति में स्टे करेंगे, क्योंकि तिरुपति भी हमको जाना ही है, क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन होगी। धवन जी ठीक है? अरे काम चला हुआ और क्या चाहिए यार, और ये फ्री है। अब आपको बताता हूँ कि जो रूम है वो फ्री कैसे है, क्योंकि आप लोगों सबका ये सवाल हो फ्री कैसे। अब एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये बुक होती है डोनर बुक, तो ये मेरे नाम पे मेरी बुक है, तो जिसमें मुझे साल में एक दर्शन और एक दिन का एकोमोडेशन यहाँ पे फ्री मिलता है। तो आप में जिसके पास भी अगर ये वाली बुक होगी तो आपको पता होगा, जिसके पास नहीं है तो बता दूँ। और अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है और आपको दर्शन करने आने हैं तो ऑनलाइन साइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन दर्शन बुक कर सकते हैं, जो कि 300 रुपये के होते हैं, लेकिन वो आपको पहले से बुक करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर एकदम से अगर आप आना चाहेंगे तो आपको हो सकता नहीं मिले, क्योंकि भाई बहुत रश रहता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है और मैं हर साल आता हूँ, लास्ट ईयर नहीं आ पाया था कोविड की वजह से, बाकी हर साल मैं आता हूँ। तो वहाँ से भी आप दर्शन बुक कर सकते हैं, बगैर डोनर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अब फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं, कुछ पेश पूजा करते, क्योंकि कुछ खाया तो है नहीं हम लोगों ने सुबह से, नाश्ता करते हैं फिर दर्शन करने चलेंगे। भाई भूख बहुत लग रही थी धवन जी को, तो देखिए भाई कैसे लगे पड़े हैं बिल्कुल निपटाने में, ये क्या बात है। तो भाई हम लोगों ने लिया है डोसा। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, बड़ा सा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और भाई सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, तो भूख लग रही थी, तो यहीं नीचे मिल रहा था। आप जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सब वो एक जो रेस्टोरेंट है सामने उसी की भीड़ है। बाकी भाई डोसा वोसा बहुत अच्छा है और बहुत रीज़नेबल यहाँ मिल जाएगा, 40-50 रुपये में भाई पेट भर के खाना मिल जाएगा। क्यों धवन जी कैसा लग रहा है खाना? बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं इस वाले ब्लॉग में धवन जी, क्या बात है भाई, खाने में आवाज़ नहीं आ रही है। तो भाई नहा धो के एकदम रेडी हो गए हम लोग, और रेडी होने के बाद हम लोग अभी आए हैं आदि शेषु भवन। और ये सामने जो दिख रहा है ये है डोनर सेल, जो आपको मैंने बुक दिखाई थी। तो यहाँ पे हम लोग जो उसका जो हम पास बनाते हैं वो लेके आते हैं, वैसे तो यहाँ से बन जाता है बट ऑनलाइन बनाना चाहते तो वही बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ये चुनरी जो कि हर बार यहाँ पे हमको मिलता है, जितनी बार आप दर्शन करने आएंगे मतलब साल में एक बार, तो वो मिलता है यहाँ से पास बन जाता है।
तो अभी यार 9:30 बज रहे हैं और जो हमारे दर्शन है वो 12 से लेके 7 बजे तक होते हैं, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था। तो अभी हम लोग आए हैं एक डैम पे, ये एक रिजर्वॉयर टाइप का है, आगे यहीं पे डैम है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। बाकी वो देखिए सामने विंड मिल है, ऐसी बहुत सारी हैं यहाँ पे विंड मिल सामने लगी हुई हैं। तो आगे चलते हैं दिखाते हैं। डैम पे हम पहुँच चुके हैं, ये जो आपको पीछे दिख रहा है गेट्स है, और ये देखिए नीचे का कुछ ऐसा है भाई व्यू। अभी तो आपको इतना पानी है नहीं, इस वजह से इन्होंने गेट बंद कर रखे हैं। बाकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और इसके लिए ना कैमरा आपके लिए पता चला कैमरा ही नीचे चला जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रॉक गार्डन। तो मैं यहाँ अभी पहली बार आ रहा हूँ, आज तक मैं नहीं आया हूँ। तो कह रहे जो ये आर्चिस जितनी भी बनी हुई हैं, अभी पीछे बोर्ड लगा जाना पड़ा, तो 2500 मिलियन ईयर्स पुरानी है ये आर्चिस जो बनी हुई है यहाँ पे। और सबसे मेन तो ये वाली है आर्च, इसमें देखिए बीच में आप देखेंगे कनेक्टेड है, लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही हैं। तो बहुत साल पुरानी है ये, तो ये भी देखने नहीं आया था, तो हमने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं आके। हम लोग अभी यार वहाँ नीचे जा रहे हैं क्योंकि भाई पानी की आवाज़ आ रही है, कोई मंदिर है नीचे, क्योंकि जितने भी लोग थे वो लोग सब भाई नीचे ही जा रहे हैं। देखिए सामने, तो ये देखिए भाई यहाँ सामने छोटा सा एक झरना टाइप का है, बाकी बिल्कुल साफ पानी है। मस्जिद में सिक्के भी दिख रहे होंगे नीचे आपको पड़े हुए। और धवन जी तुम कितनी बढ़िया बढ़िया जगह लेके आ रहे हैं, और धन्यवाद नहीं करोगे हमारा? आप भी पहली बार घूम रहे हैं, ऑल थैंक्स टू मी कि आप हमेशा दर्शन करके दिख रहे हैं ना आपको। पत्थर एक के ऊपर एक जो रखे हुए हैं, ये जिन जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं वो लोग ऐसे पत्थर रख के जाते हैं, कहते हैं अगर ऐसा आप रख के जाते हैं तो आपका घर बनता है। कितना सच है कितना झूठ भाई मुझको नहीं पता, बट हम भी मान्यता है अपनी, हम भी बनाएंगे। आपका महल बनाओगे क्या? तो ये देखिए भाई इसी चट्टान में ही मूर्ति बनी हुई है भगवान जी की, और यहाँ पे ये देखिए पीछे है मंदिर जहाँ पे सब इकट्ठे हैं। यार बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल ना पहाड़ों के बीच में है, छुपा हुआ है, ऐसे दिखेगा नहीं बाहर जाके, यहाँ काफ़ी अंदर तक चल के आना पड़ता है। तो अगर तिरुपति आ रहे हैं तिरुमला तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये देखिए भाई कितने ही पुराने पेड़ नीचे, भाई पूरा पानी बह रहा है, बहुत सुंदर जगह है। अभी यार हम लोग जा रहे हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा ही जा रहे हैं ना, और जो रूट है ना भाई इतना सुंदर है ना यार ये रूट, पूरे अगल बगल यार जंगल है, इतनी शांति है ना यार यहाँ पे। हम लोग यार पहुँच चुके हैं आकाश गंगा में, तो ये भाई काफ़ी ऊपर से हमको नीचे आना पड़ा था उतर के, और वहाँ सामने नीचे अगर आप देखेंगे लोग हैं वहीं पे, जो भी ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा है नीचे, तो वहीं चलते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि ये ना काफ़ी अंदर है, अभी देखेंगे पूरा मतलब बिल्कुल ढका हुआ है सब तरफों से पेड़ों से। और रास्ते देख के तो हमें हिमाचल का फील आ रहा है कि मैं घूम रहा हूँ, मेरे को पहाड़ मिल गया है। बस धवन जी की एक ही दुश्मन है, वो हैं सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ देख के घबरा जाते हैं। देखिए देखिए फोन आ रहा था, तो अब लोग हम लोग यार मंदिर पे जा रहे हैं, और आप ये टीका देख रहे हैं हम दोनों के भाई माथे पे कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मंदिर है, यहीं पे हम लोग अभी जा रहे हैं। इस मंदिर को उस साइड से हमारी जो लाइन है वो स्टार्ट होगी, तो वहीं चलते हैं। तो जहाँ से यार हमारे दर्शन की लाइन स्टार्ट होगी वहाँ हम पहुँच चुके हैं, और आप देखेंगे पूरे यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी 11 बज रहा है, लगभग एक घंटा है दर्शन स्टार्ट होने, 12 बजे जो गेट है वो खुलेंगे, तो आपको मिलते हैं सीधे दर्शन के बाद। तो फाइनली यार हमारे जो दर्शन है वो हो चुके हैं। कितना समय हो रहा है अभी जी? 1:53 2:53 हो रहा है, 11 बजे लाइन खुल गई थी हमारी, वैसे 12 बजे खुलती पर 11 बजे खुल गई थी। भाई चले गए थे तो लड्डू वगैरह लेने गए थे, उसमें टाइम लग गया था, लड्डू इस बैग में है, अभी आपको चल के दिखाएंगे कि लड्डू कैसे होते हैं। बाकी यहाँ पे कैरी के भैया वो लगाए थे लेडी टाइप की, चलो खाते हैं। कैसा है जब खाटी खाटी खट्टी खट्टी खाड़े खाड़े तो अब यार आपको यार मंदिर का दर्शन करा देते हैं। तो ये देखिए भाई सामने ये पूरा मंदिर है, और यहाँ ये जो पीछे गोल्डन दिख रहा है ये पूरी सोने की भाई पूरी बनी हुई है। तो ये मंदिर अंदर से तो दिखा नहीं सकता, बहुत सुंदर बना हुआ है मंदिर। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे भाई दिखता, बहुत बड़ी जगह है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जाना पड़े तो भाई यहाँ पर थक जाओगे। और जब से हम लोग चल रहे हैं तो नंगे पैर ही चल रहे हैं, चप्पल जो थी वो हम लोग भाई अपने जहाँ पर हम रुके थे गेस्ट हाउस में वहीं लगाए थे। तो अपना घर वालों को हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये
अब घर वालों को सबको वीडियो कॉल कर करके भाई मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, आप लोग भी एक बार कर लीजिए आखिरी बार। अब चलते हैं भंडारा खाने, ऐसा लग रहा है भंडारा खाने जा रहे हैं। भंडारा ऐसा लग रहा है कि बहुत मिनटों के बाद चलेगा भाई। आपको भीड़ दिखाते कितनी ज़्यादा है देख सकते हो भाई, बहुत सारी लाइन लगी हुई है, ढेर भीड़ है। हम लोग यार बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और आपको एक ना बहुत कमाल की एक पेंटिंग दिखाते हैं। ये देखिए भाई, ये पूरा जो पहाड़ी है ना जिस पे ये मंदिर बना है वो दिखाया गया, सब अलग अलग भगवान है। जैसे विष्णु जी हैं ऐसे ही सब वो नंदी जी हैं, उधर पे शंकर जी बने हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो गरुड़ देवता हैं उस साइड पे भी। तो ये यार बहुत ही सुंदर यहाँ पे यार बना हुआ है। तो यहाँ पे कई सारे हॉल्स हैं जहाँ पे अभी जो भंडारा है, हॉल के अंदर आ चुके हैं। धवन जी कितनी भीड़ है, तो ये देखिए भाई इतना बड़ा हॉल है, इसमें बहुत सारे लोग यार खाना खा रहे हैं। और ये देखिए भाई परसना शुरू हो गया है। तो ये चटनी है, ये कोई मीठा है, ये सब्जी है। और ये चटनी और जो ये मीठा है भाई बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता है। आप अगर आओ यहाँ पे एक बार मत खा जाना, क्योंकि ये नहीं दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी चावल तीन बार मिलेंगे, ये मीठा है खा के देखो, बटे गुड़ गुड़ में खाओ कैसा है ना गुड़ में। सबसे पहले चावल के साथ दिया जाता है ये सांभर, और इसमें ये पड़ी हुई है भिंडी। ऐसे तीन बार मिलता है, एक बार चावल सांभर, एक बार चावल रसम, और एक बार चावल और दही। तो इसको करते हैं भाई ट्राई, वैसे तो बहुत गर्म है भंडारे का है, बहुत बढ़िया भाई। भाई अब आ चुका है रसम, और ये देखिए ऐसे ट्रॉलीज में यहाँ पे बांट रहा है। तो यार सुबह से निकले अब जाके भाई अपने रूम पे हम लोग आए हैं, और अभी देखिए टाइम हो रहा है 2:10। तो देख लीजिए आप सुबह से लगे हैं, तो अब जाके भाई थोड़ा सा रेस्ट मिला है, तो अब थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे लगभग आधे घंटे, और फिर यहाँ से निकलेंगे तिरुपति के लिए नीचे। जी हाँ तिरुपति जाएंगे, जहाँ के पद्मावती के दर्शन करने हैं। तो बस चलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग यार पहुँच चुके हैं तिरुपति, और ये जो आपको जो पीछे पूरा होटल दिख रहा है ये है विष्णु निवासन, जो कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल ही साइड में है। और ये है हमारा रूम, क्योंकि हमने एसी रूम लिया है, तो ऐसे से यहाँ रूम है, ट्रस्ट के हैं यहाँ पे जब बने हुए, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ चेयर है, एसी है सबसे बड़ी बात, और इसका जो चार्ज है वो है 900 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। आप कभी भी आओगे 24 घंटे के लिए पूरा रूम आपका, 6 लोग तक इसमें रोक सकते हो आप। अगर 6 लोग हैं और थोड़ा सा टाइम बिताना है तो इसमें रूम में आ जाओ, तो थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और निकलते हैं। तो ये है भाई हमारा होटल विष्णु निवासन, और सामने आपको जो पैसेज दिख रहा है ना वो ब्रिज है, जो कि सीधा भाई रेलवे स्टेशन जाता है। मतलब आपको सीधे रोड पे भी जाना पड़ेगा, सीधा ब्रिज पकड़ो सीधा रेलवे स्टेशन। ऐसी फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेंगी आपको सर? तिरुपति में मिलेंगी। तो अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? वो पद्मावती टेम्पल। वेरी गुड। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने रास्ता, ये है पद्मावती अंबाबाई टेम्पल, जहाँ पे अभी दर्शन करके आए हम लोग। और यहाँ पे भी मतलब आज भीड़ थी, मतलब इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली है, इतनी हमेशा तो नहीं मिलती है बट इस बार है। बट ठीक है, दर्शन अच्छे से हो गए। अब भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सफल आगे निकल गया था, तो बस मैं स्कूटी पिक करने आया हूँ, निकलते हैं। तो हम लोग यार जो स्कूटी जो रेंट करी थी वो यार वापस करने के लिए आए थे, तो अब मैं बताता हूँ कि वो बेसिकली है किसकी। तो ये है भाई विजय भाई, इन्हीं की इनको ही स्टार्टअप है, इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। अभी तक मतलब ये ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं तिरुपति मतलब मैं शुरू से आ रहा हूँ। ओके okay. मतलब मुझे 25 साल हो गया तिरुपति आते आते। बहुत सीनियर है आप। नहीं ऐसा नहीं है, बट आज तक कभी क्या ऐसे सर्विसेज का मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट इस बार मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर इन्हीं का आता है। रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो इनसे मैंने पहले ही बात कर ली थी। तो यहाँ पे इनकी ये देखिए ये स्कूटीज़ वगैरह हैं, और ये देखिए इसी में आपको नंबर इनका दिख जाएगा, इसी में नंबर लिखा हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे भी है बाहर, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी है इनका। तो आपसे ऐसे किसी भी टाइम अगर कोई भी कनेक्ट कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, नहीं, पहले से ही, पहले मुझे एक दिन पहले बोलने से मैं आप जैसा बुक किए तो ऐसा मुझे आधार और ड्राइविंग लाइसेंस भेजने से मैं गाड़ी अरेंज करके रख देता। हम लोगों ने इनको पहले ही व्हाट्सएप कर दिया था, मेरा जो आधार और ड्राइविंग लाइसेंस है वो मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। बाकी और कुछ आपको चाहिए नहीं है, आओ
और जैसे अच्छा इनकी शॉप 8 बजे ओपन होती है, जैसे हम लोग था जल्दी आ गए थे, 5:30 बजे आ गए थे, तो भी इन्होंने बाइक हमको अवेलेबल करा दी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बिकॉज दिस इज माय स्टार्टअप सो आई नीड गुडविल फ्रॉम कस्टमर्स एंड नहीं नहीं बिल्कुल आपको मिलेगा, मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि सवाल अपन को हर साल आना है अपन को तो मतलब हम लोगों को तो हर साल आना ही है, धीमे से अगर कार रेंटल भी स्टार्ट कर दोगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, आगे ज्यादा लोग आएंगे करेंगे सर फ्यूचर में करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल करिए, अगर आप लोग कोई भी अगर तिरुपति आ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आइए मस्त सर्विस मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा आखिरी दिन है यार तिरुपति में, आज का मतलब पहला और आखिरी दिन आज ही था हमारा, तो अब हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ मैं लगभग हर टाइम आता हूँ यहाँ पे खाने के लिए, और मैं हर बार ऑर्डर करता हूँ ये आंध्रा थाली। अब इसमें कौन सी क्या चीज़ है नहीं पता, जितना मालूम है ये रसम है, ये दही है, ये शायद कुंदरू की सब्जी है, ये सांभर है, और ये कुछ तो सब्जी है, और बाकी ये चावल आते हैं इतना सारा है इसमें। भाई ने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, तो आप इतना सारा खा थोड़ी ना पाओगे, मैं आपको साथ दूंगा। नहीं नहीं अपन खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रोटी वोटी यहाँ मिलती नहीं है, मतलब ऐसे मिल जाएगी अगर आप चाहोगे, बट थाली के साथ ही आती है, और जितनी भी ये सब्जियाँ हैं ये आप बार बार रिपीटेड ले सकते हो, अगर आप सिंगल आदमी खा रहे हो दो लोग इसमें नहीं खा सकते, तो बस अपना खाना इन्जॉय करते हैं। कैसा लगा धवन जी? बहुत बढ़िया भाई साहब, मज़ा आ गया भाई, इतना गजब खाना, मतलब अगर आपने आंध्रा अगर आपको खाना टेस्ट करना है तो यहाँ आ सकते हो, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है, क्या नाम है इसका, श्री लक्ष्मी नारायण भवन करके है, तो आके ट्राई देना। और ये देखो भाई वैसे हमने पूरी थाली कुछ खाली करी है, ये और जो कोकोनट ये सत्तू टाइप का है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, इसको और इसको मिक्स करके खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, सॉरी लेकिन भाई मज़ा आ गया, बस अब चलते हैं वापस होटल। तो बस यार जो आज का व्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं, किसी भी रीज़न से अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट्स करके अपने थॉट बताना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।